हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और मेरी चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। और इसे मैं बहुत ही कम मसाले के साथ बहुत ही जल्दी बनाऊंगी। और अभी तो गर्मी बढ़ चुकी है, तो लौकी की सब्जी हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करती हूँ। तो लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैं क्या क्या लिया हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया हूँ लौकी, जिसे काट के अच्छे से धो लिया हूँ। और इसे मैं पतला पतला स्लाइसेस में इस तरीके से मैं काट लिया हूँ। और फोरन के लिए मैं लिया हूँ यहाँ पे 5 फोरन, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और हींग। और यहाँ पे मैं लिया हूँ 1 छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट, और लिया हूँ हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला। तो लौकी की सब्जी हम सरसों के ऑयल में ही बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए मैं कढ़ाई को गरम कर लिया हूँ। तो कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग। हींग को चटकने देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ सूखी मिर्च। तो सूखी मिर्च को मैं तोड़ लेती हूँ, तोड़ के डालूंगी। तोड़ के डाल दिया हूँ मैं, और इसे मैं कुछ सेकंड के लिए भून लेती हूँ पहले। तो सूखी मिर्च को मैं भून लिया हूँ, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 5 फोरन, और साथ ही मैं डाल देती हूँ तेज पत्ता, और इसे मैं कुछ सेकंड के लिए भून लेती हूँ। तो सारी चीजों को मैं भून लिया हूँ, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक की पेस्ट, और इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो इसे मैं ढक देती हूँ। अदरक की पेस्ट में से छींटे आ रही है, तो इसे मैं कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ, ताकि अदरक में से कच्चापन हट जाए। अदरक की जो एक कच्ची बदबू होती है वो हट जाए। तो अदरक की पेस्ट भी भून चुकी है, तो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और फ्लेम को लो कर देती हूँ। और अब मैं इसमें डालती हूँ हल्दी पाउडर। फ्लेम को लो करके ही हमें हल्दी पाउडर डालना है। अगर फ्लेम हाई रहेगा व मीडियम में ही रहेगा, तो हमारी जो हल्दी पाउडर है वो जल जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ लौकी। लौकी को मैं सारे चीजों के साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो पहले मैं आधी लौकी डाली हूँ कढ़ाई में, और इसे मिक्स करने के बाद मैं बाकी की लौकी भी डाल दूंगी। और अब मैं बाकी की लौकी भी डाल देती हूँ। और साथ ही मैं डाल दूंगी स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। नमक मैं शुरू में ही डाल देती हूँ, ताकि हमारी लौकी जो है वो अच्छी से पक भी जाए और जल्दी पक जाए, और इसमें से पानी भी रिलीज हो जाए। तो अब मैं लौकी के साथ नमक को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो लौकी को अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ। अब मैं इसे ढक कर 2 मिनट हाई फ्लेम में पकाऊंगी, ताकि इसमें से पानी रिलीज हो जाए। तो 2 मिनट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट के बाद इसमें से काफी पानी रिलीज हुआ है, और इसे मैं अब मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में पकाऊंगी। तो इसे मैं पकने देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है। अब मैं ढक्कन उठा के देख लेती हूँ। तो 10 मिनट लो फ्लेम में लौकी को पकाने के बाद अब हमारी जो लौकी की सब्जी है वो पक चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत पानी अभी भी है, तो उसे मैं हाई फ्लेम में पानी को थोड़ा सुखा लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटी चम्मच घी। घी डालने से हमारी जो लौकी की सब्जी बनेगा वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और घी को और गरम मसाले को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारी जो लौकी की सब्जी है वो पक चुकी है, और ये सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ, और इसे ढककर 2 मिनट रेस्ट पर रखती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया हूँ, और अब हमारी सब्जी जो है वो सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। और बहुत ही कम मसाले में, बहुत ही कम समय में, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी लौकी की सब्जी बनके तैयार
तैयार है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।